fascist regime. It is not against just intellectuals, it's against all forms of intelligence. It is against the intelligence of farming, it is against the intelligence of working the land, it is against the intelligence of craftspeople. It understands nothing but hatred. जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहां पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहां पे उनको मारा गया, उनको गालियां दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आजाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया। टू माय राइट आर फोटोग्राफ्स माय फेलो जामियंस के, टू माय लेफ्ट आर सम अदर फोटोग्राफ्स इफ यू मे सी देम। थ्रू आउट दीस टू इयर्स आई आस्क दिस वन क्वेश्चन, probably all the students of Jamia have been asked this one question: where were you when this incident happened? What were you doing? What happened? We ponder upon these questions: where was I? Was I just at that one place, or were I also with everybody who was facing all kinds of atrocities that day? Because when I look back, I do not have the memory of only my own. I look back to find into myself the memory of everybody who was beaten, who was told to not come inside their own university, who were made to run away, who were made to put their hands up and walk like criminals. We do not remember just our own memories. It's impossible to forget. It's impossible to forget. I'm a student of AMU. I'm an alumni of AMU. और वो कैंपस मैंने कभी भी इतना सन्नाटे में नहीं देखा, बिकॉज दो बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, कुछ ढाबे खुले रहते हैं, हमेशा कुछ स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट I saw not a single student on campus. Of course, clear signs of destruction, and the whole university, the campus was taken over by blue uniform RAF personnel. और जब हम पहुंचे 3 बजे, तो वो university से जो हुआ था 2-3 घंटे पहले उसकी निशानियां मिटा रहे थे, shells उठा रहे थे, guest house के पास खून पड़ा था, 2 घंटे बाद हम आए तो वो गायब हो चुका था। और लाइब्रेरी से और हॉस्टल के सामने से स्टूडेंट्स की बाइक्स को उठाकर एक ट्रक में डाल रहे थे, विच वी लेटर फाउंड के उन बाइक्स को यूज करके स्टूडेंट्स को नोटिसेस भेजे गए और उनको चार्जशीट किया गया। एनीवे, द फर्स्ट प्लेस दैट वी नेचुरली वेंट वाज द ट्रॉमा सेंटर, एंड उसके बाद वेयर अगेन नोबडी वाज रेडी टू स्पीक टू अस। इट वाज कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट कोई वहां मौजूद नहीं था। 3 स्टूडेंट्स आईसीयू में थे, एक को रिपीटेडली सीजर्स आ रहे थे, डॉक्टर्स वर नॉट मीटिंग आवर आईज, एंड देयर वाज अ गार्ड हु वाज क्लियरली एज अनसेटल्ड एज वी वर, जिसकी वजह से हमें पता भी चला कि 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स रात में आए थे और उन्हें भेजा गया। उसके बाद बस फर्स्ट एड लेकर के भेज दिया। उसके बाद वी वेंट टू द हॉस्टल्स, वी सॉ द इंजर्ड स्टूडेंट्स, वी सॉ द रूम इन मॉरिसन कोर्ट दैट वाज बर्नड बाय आरएएफ ऑफिसर्स, एंड उसकी बेसिस पे फिर हमने एक फैक्ट फाइंडिंग की। और अगले 3 महीने में जब एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, एज वी फॉट टू गेट स्टूडेंट टेस्टिमनीज ऑन रिकॉर्ड, दैट इज वेयर आवर फैक्ट फाइंडिंग हैपेंड। उस दिन यूनिवर्सिटी सर्कल, जो गेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, उस पे भारी
RAF का एक contingent मौजूद था, unbelievable numbers of these blue uniform riot control police, who actually many students said that were actively jeering the students and daring them to step out of the gate. And as a few groups of students went out of the gate during the protest, suddenly water cannons शुरू हुए, tear gas, lathi charge, and within half an hour, 8 बजे तक एक full blown lathi charge हो चुका था. Of course, lathi charge के force में students dispersed, but the RAF barged into the campus. It not just came into the campus, it chased the students. वो गए guest house के अंदर, hall में और bathroom में जाके उन्होंने दरवाजे तोड़े, students को निकाला. वहां पे एक पॉइंट पे एक्चुअली गेट से आप आधा किलोमीटर दूर जाएंगे एक चौराहा है, वहां कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रुटैलिटी थी पुलिस की उसे देख के सफेद रुमाल हिलाने लगे और बोलने लगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए. उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें चेज किया और चेज करके एक हॉस्टल है मॉरिसन कोर्ट का, उसमें आई मीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड, बट वो जो इंसिडेंट है आपके सामने बताना बहुत जरूरी है. उस हॉस्टल में पुलिस को देख के जाहिर है बच्चे अपने कमरों में छुप गए. उसके अंदर एक रूम नंबर 46 है जहां तीन स्टूडेंट्स पनाह ले रहे थे. आरएफ के ऑफिसर्स अंदर घुसे, उन्होंने पहले दरवाजा पीटा, फिर उसके खिड़की में छेद किया और उस बंद कमरे में टियर गैस शेल फायर किया. ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स मतलब एस्फिक्सिएट हुए, कमरे में आग लग गई और जैसे ही वो बाहर निकले उनको पीटना शुरू किया. उसमें से एक स्टूडेंट कश्मीरी था, उसे बाहर ले जाके उन्होंने पेड़ से बांधा और पेड़ से बांध के मारना शुरू किया. एंड दिस हैपेंड विद अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको डिटेन करके मारते हुए वैन में ले गए, पुलिस स्टेशन ले जाके कश्मीरी स्टूडेंट्स को खास करके पुलिस स्टेशन में मारा, गालियां, रेशलाइज स्लर्स, दैट वॉज ऑल ओवर. यही कहानी मतलब वायलेंस की दास्तान सुनाते जाना ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, बट जो उस दिन हुआ एएमयू में वही कहानी जामिया में थी. इट वाज नॉट जस्ट द ब्रुटैलिटी ऑफ द अटैक बट इट वाज आल्सो जिस जो वो कह रहे थे मारते हुए, जो मुस्तकिल मुसलमान होने पे गाली, कश्मीरी होने पे गाली, और वो कंप्लीट रेशियलाइज्ड स्लर्स जो वो यूज कर रहे थे उससे समझ में आ रहा था दैट दे आर नॉट हियर for any crowd control or any law and order work. They are here with a very clear purpose. Wo in students ko saza dene aaye the ki unhone protest karne ki himmat kaise ki. And I remember that this was the protest that AMU and Jamia had instilled hope in all of us. Aur wo us hope ko khatam karne aaye the. Isiliye ye same patterns aap Jamia AMU dono ke violence mein dekhenge. We are in a situation where although the NRC and the CA aimed against the Muslim community without any doubt, it is a fascist, right-wing, Hindu government trying to delegitimize the citizens. But in practice, when you look at even what has happened in Assam, the majority of the people who are not on the NRC are not Muslim, because Muslims have been so threatened over there that they have all their documents. But the poor, the Dalits, the Adivasis, the women do not have documents. So the NRC and CAA is a move by a fundamentalist fascist government to cut the ground from under the feet of citizens. So if you look back at this government, the people that it hates formally, the people that the RSS hates formally are Muslims, Christians and communists. Jo wo matlab publicly jo ghrina karte hain logon ko wo hai Musliman, Christian and communist. Lekin actually ye aisa sarkar hai जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं लेकिन सबको घृणा करते हैं, गरीबों को भी, मजदूरों को भी, आदिवासियों को भी, मुसलमानों को भी और अपना ही वोटर्स को भी. What the students of AMU did
what the students of Jamia did was to understand the fundamental threat of this. This is a threat which has to be turned back. What happened with the students in Jamia, of course, this whole demonization of students, the demonization of JNU, the demonization of students like Omar Khalid started in 2016, because a fascist regime, it is not against just intellectuals, it's against all forms of intelligence. It is against the intelligence of farming, it is against the intelligence of working the land, it is against the intelligence of craftspeople. It understands nothing but hatred. अब हमारे पास एक ऐसा सरकार है जो देश को प्यार करते हैं लेकिन लोगों को प्यार नहीं करते. So, what is the future going to be? This is a really big question for all of us. And unless we understand that all these struggles are linked together, if we keep fighting alone, if Jamia fights for Jamia, if JNU fights for JNU, people in Chhattisgarh fight for Chhattisgarh, farmers fight for farmers, this is what they want. This caste against that caste, this religion against that religion. So to understand the threat we are facing today, our country, India, is a social contract between hundreds of communities, languages, religions, ethnicities, castes, regions, races. If you break that contract, and the ideology of the RSS and the BJP is to break that contract. If you break that contract, there is no India. Maybe 10 years from now, maybe 15 years from now, there is no India. For a country to be finished, just look at the Soviet Union. Just look at Yugoslavia. बहुत जल्दी खत्म होता है ये बात. So, for us to understand that the fight that the students of JNU, the students of Jamia, the students of AMU, and all the other people who stood up to CAA understood that this is a fundamental threat to this country. खत्म करने से पहले, I just want to, because we are gathered here to remember, I just wanted to remember some words from Khurram Parvez, that brave Kashmiri who's another person that's in jail in the name of our security. And Khurram says, we believe that memory is the most important tool which the oppressed people have. Oppressors want us to have amnesia, that we forget everything. The only potent weapon we have as a weak and oppressed people is memory. Our memory will always help us to sustain the struggle against injustice. Thank you.